टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवे न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर नाइन द क्यूरियस बेबी एलिफेंट वट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूरियस क्यूरियस मीन्स ईगर टू नो किसी को कुछ जानने की जो इच्छा होती है जो इच्छुक होते हैं मतलब किसी चीज को भी जानने के लिए जो उत्सुक होते हैं उसे क्यूरियस कहा जाता है जिज्ञासु ठीक है सो द चैप्टर नंबर नाइन इज़ द क्यूरियस बेबी एलीफेंट इन दिस स्टोरी वन बेबी एलिफेंट इज़ जेयर एंड ही इज़ वेरी क्यूरियस वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु था हर चीज़ उसको जाननी थी और हर चीज़ों को देख कर वो बहुत सारे क्वेश्चन करता था तो ये जो चैप्टर है ये हमारा जो एक स्टोरी है इस स्टोरी को लिखा है किसने रूडियार्ड किपलिंग ने जोसफ यू रूडियार्ड किपलिंग ये राइटर हैं जिन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है और ये हमेशा ये बहुत फेमस राइटर हैं जो कि बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं ठीक है चलिए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी चैप्टर नंबर नाइन द क्यूरियस बेबी एलिफेंट गेटिंग स्टार्टेड आर यू क्यूरियस टू नो एवरी क्या आपको क्यूरियोसिटी होती है कि आपको किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा होती है हर चीज़ को जानने के लिए इच्छा होती है ना कि टीवी कैसे चलता है या फिर ये जो अभी मोबाइल है जैसे आपको अभी सबसे ज़्यादा क्या क्यूरियोसिटी होती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे साइंस से रिलेटेड है कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं मोबाइल कैसे वर्क करता है ठीक है और ये सारी चीज़ें आपको जानने की इच्छा होती है जिसके रिगार्डिंग आप हमेशा अपने जो बड़े लोग हैं उनसे क्वेश्चंस पूछते हैव यू एवर बीन इन ट्रबल बिकॉज ऑफ योर क्यूरियोसिटी क्या आप कभी किसी परेशानी में फंसे क्यूरियोसिटी के कारण अपनी उत्सुकता के कारण तो चलिए स्टार्ट द चैप्टर देयर वाज अ टाइम व्हेन द एलीफेंट्स नोज वाज नो बिगर देन अ बूट पहला पहले, पहले का समय ये जो स्टोरी है बहुत मतलब पुराने पुराने टाइम के बारे में बता रहे हैं कि बहुत समय पहले जो एलिफेंट था एलिफेंट की जो नोज़ थी वो बहुत बड़ी नहीं होती थी और कितनी होती थी जैसे एक बूट होता है बूट मीज़ जो बड़े शूज़ होते हैं ना उसकी शेप की उसकी उसकी जितनी उन उनकी नोज होती थी ही कुड मूव इट फ्रॉम साइड टू साइड और वो सिर्फ अपनी जो नोज़ थी उसको सिर्फ साइड से साइड घुमा सकता था उससे वो आ, जो पानी लेके स्प्रे करता है वो सब नहीं कर सकता था बट एन एलिफेंट्स चाइल्ड बट एन एलिफेंट्स चाइल्ड चेंज ऑल दैट अ वेरी क्यूरियस बेबी एलिफेंट पर बहुत सालों पहले एक एलिफेंट का जो बेबी था एलिफेंट का जो बच्चा था ठीक है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था और उसकी क्यूरियोसिटी के कारण ये जो एलिफेंट की नोज है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई सी दिस इज़ अ स्टोरी ओनली अब ये मत सोचना कि ये जो स्टोरी है इसकी वजह से ही एलिफेंट की नोज़ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई ये स्टोरी है जो कि रुडियार्ड किपलिंग जो बच्चों की स्टोरी लिखते थे उन्होंने अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे ये स्टोरी लिखी है और उसमें ये बताया है कि बहुत सालों पहले बहुत समय पहले जो एलिफेंट थे उनकी जो नोज़ होती थी वो छोटी होती थी बड़ी नहीं होती थी वो सिर्फ अपनी नोज़ को साइड टू साइड घुमा सकते थे ठीक है बट एन एलिफेंट स्टाइल चेंज ऑल दैट पर उस जो जंगल था उस जंगल में एक एलिफेंट था उस एलिफ़ेंट का जो चाइल्ड था उस एलिफेंट का जो बेबी था मतलब जो बेबी एलिफेंट था वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था क्यूरियस मीन्स ईगर टू नो ईगर टू नो मीन्स किसी भी चीज़ को जानने की जिसकी उत्सुकता होती है उसके लिए बोला जाता है तो वो जो बेबी एलिफेंट था वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था जिसके कारण ये जो नोज़ एलिफेंट की है वो चेंज होगी और वो बहुत बड़ी होगी ही वॉज सच अ क्यूरियस फैलो दैट ही ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चन वो जो बेबी एलिफेंट था वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था तो जिसके कारण वो बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों से पूछता रहता था ही वुड आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनी थिंग दैट ही सॉ और हर्ड और फेल्ट और स्मेल्ट और ट वो बेबी ये देखो लुक एट दिस पिक्चर ये छोटा सा बेबी है और इसकी नोज भी देखो बहुत छोटी सी है है ना और ये जो बेबी एलिफेंट है ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस था क्यूरियस मतलब इसको हर चीज़ जाननी थी उसको ये लगता था जो भी चीज़ वो देखता था वो उसके बारे में क्वेश्चन करता था अब यहाँ पर देखो इस सेकेंड पैराग्राफ में ही वो सच अ क्यूरियस फैलो ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस था ये बेबी एलिफेंट दैट ही ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चन और क्यूरियस होने के कारण इच्छुक होने के कारण किसी चीज़ को जानने के कारण ये क्या करता था उसको सब चीज़ें जाननी थी तो वो सबसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था ही वुड आस्क क्वेश्चन अबाउट एनी थिंग दैट ही सो और वो जो भी देखता था दैट ही सॉ और हर्ड जो भी देखता था बेबी एलिफेंट जो भी सुनता था जो भी उसको फील होता था जिस भी चीज की स्मेल आती थी और जिसको भी वो टच करता था उसके बारे में वो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आस पास के लोगों से करता था जो एनिमल्स थे उनसे करता था ही आज द ऑस्ट्रिच वाई हर टेल फैदर्स ग्रू जस सो अब एक बार उसने ऑस्ट्रिच को देखा ये ऑस्ट्रिच है देखो फर्स्ट पिक्चर दी हुई ने इस पिक्चर में जो थर्ड नंबर है क्रोकोडाइल फिर जिराफ और उसके बाद ये कौन दिया हुआ एक बर्ड है ऑस्ट्रिच जो सबसे लॉन्गेस्ट बर्ड होती ठीक है तो उसने एक बार ऑस्ट्रिच को देखा और ऑस्ट्रिच से पूछा वाई हर टेल फैदर्स ग्रू जस्ट सो तुम्हारे ये जो फेदर्स हैं तुम्हारे पंख में तुम्हारे जो पंख हैं उसमें जो ये फैदर्स हैं पूछ में जो फैदर्स हैं वो ऐसे क्यों ग्रो किए हुए ठीक है। जिराफ what मेड his स्किन स्पॉटी अब उसने क्या किया स्पॉटी का मतलब बीच बीच में जो धब्बे होते हैं ना उसको स्पॉट बोला जाता है तो अब वो बेबी एलिफेंट किससे पूछता है जिराफ से कि तुम्हारी बॉडी में ऐसे स्पॉट क्यों हैं? ही asked द ऑस्ट्रिच why हर टेल feathers ग्रू just so. ही आज द जराफ वॉट मेड हिज स्किन स्पॉटी सी ये जो लिटिल एलिफेंट था बेबी एलिफेंट ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस था क्यूरियस मीन्स बहुत ज़्यादा उत्सुक था उसको हर जो भी चीज़ दिखती थी जो भी चीज़ सुनाई देती थी जिसको भी वो फील करता था जिसको भी स्मेल करता था और जिसको भी टच करता था उसको उन सब के बारे में जाना था इन शॉर्ट इस बेबी को ही वांट्स टू नो एवरीथिंग उसको सब कुछ जानना था ठीक है तो उसने क्या किया सबसे पहले उसने ऑस्ट्रिच ये देखो यहाँ जो एक बर्ड है ना ये ऑस्ट्रिच है दिस इज ऑस्ट्रिच इस ऑस्ट्रिच से पूछा कि क्या पूछा इस ऑस्ट्रिच से कि तुम्हारी फैदर ऐसे क्यों हैं ही आज द ऑस्ट्रिच वाई हर टेल फेदर्स ग्रू सो और उसने ऑस्ट्रिच से पूछा कि तुम्हारी जो टेल पर फैदर्स हैं वो ऐसे क्यों ग्रो हुए ठीक है ही आज द जराफ वॉट मेड हिज स्किन स्पॉटी उसके बाद उसको ज़राफ दिखा तो उसने ज़राफ से पूछा कि तुम्हारी ये जो स्किन है ये स्पॉटी क्यों है स्पॉटी का मतलब होता है धब्बे बीच बीच में आपने देखा येलो के बीच में उसके ब्राउन और ब्लैक कलर के गोल गोल स्पॉट हैं तो जो बेबी एलिफेंट था वो बहुत क्यूरियस था जब भी कोई नई चीज़ दिखता था या उसे डिफरेंट कोई चीज़ दिखती थी तो उसको लगता था मैं इसके बारे में पूछूं इसके आंसर्स जानूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है तो उसने बेबी जेराफ से पूछा कि वाई वॉट मेड हेज स्किन स्पॉटी तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम्हारी जो स्किन है उसमें इतने सारे स्पॉट्स हो गए इतने सारे ब्लैक कलर के धब्बे हो गए ठीक है हिज पेरेंट्स एंड ऑल हेज अंकल्स एंड आंस विम वेन ही वुडन्ट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन उसके जो पेरेंट्स थे किसके पेरेंट्स इस बेबी एलिफेंट के जो पेरेंट्स थे इसके जो अंकल्स थे मतलब इसके जो रिलेटिव थे अंकल्स थे आंट्स थे पेरेंट्स थे इस बेबी एलीफेंट के जब वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था और नहीं रुकता था मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं रुकता था कितना भी मना करने के बाद वो कंटिन्यूसली डिफरेंट क्वेश्चन पूछता था तो उसके जो पेरेंट्स और अंकल आंट थे वो उसको स्पैंक करते थे स्पैंक का मतलब होता है हिट करना मारते थे मारते मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तेज मारते थे जैसे बच्चों को हम मजाक में मारते हैं वैसे उसको हिट करते थे स्पैंक करते थे कि इतने सारे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है ठीक है अब अचानक एक दिन बेबी एलिफेंट के दिमाग में कौन आया देखो यहाँ पर ये जो गोल गोल दिख रहा है बेबी एलिफेंट के दिमाग में कौन आया पहले तो उसने ऑस्ट्रिच से पूछा सेकेंड उसने किस से पूछा जिराफ से पूछा अब थर्ड उसके दिमाग में आया एलिगेटर और वी कैन ऑल्सो से इट क्रोकोडाइल उसके दिमाग में आया है कि जो क्रोकोडाइल है अब उसके बारे में मुझे क्वेश्चन करना है तो अब इस बेबी एलिफेंट ने क्या पूछा वॉट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर अब उसने पूछा ही आस्ट डे उसने एक दिन अपने फ्रेंड से अपने दोस्तों से पूछा कि जो क्रोकोडाइल है ये डिनर में क्या खाएगा डिनर मतलब जो हम नाइट में खाना खाते हैं उसको डिनर बोलते हैं तो ये बेबी एलिफेंट अचानक से सोचता है कि जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाएगा सेड ऑल द एनिमल्स सब ने उसको शांत कराया श करके सब ने बोला सेड ऑल द एनिमल्स वॉट ही वुड नॉट स्टे क्वाइट बट ही वुड नॉट स्टे क्वाइट पर फिर भी ये जो बच्चा था ये जो बेबी एलिफेंट था यह इतना क्यूरियस था यह बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ ठीक है वन डे ही मीट द कोलो कोलो बर्ड एक दिन उसको एक बर्ड मिली जिसका नाम क्या था कोलो कोलो बर्ड ठीक है गो टू द ग्रे ग्रीन ग्रीसी लिम्पोपो रिवर्शी सेट यू विल फाइंड योर आंसर दियर और उस कोलो कोलो बर्ड ने उस बेबी एलिफेंट को बोला उसने भी कोलो कोलो बर्ड से यही पूछा कि जो बेब क्रोकोडाइल है वो अपने डिनर में क्या खाएगा तो उस कोलो कोलो बर्ड ने क्या बोला गो टू द ग्रे ग्रीसी लिम्पोपो रिवर और उसने उसको बोला कि अगर तुम्हें इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो तुम्हें जो ग्रे कलर की ग्रीन ग्रीसी लिम्पोपो रिवर है लिम्पोपो रिवर मीन्स उस नदी का नाम क्या है लिम्पोपो तो उसने ये बोला कोलो कोलो बर्ड ने कि अगर तुम्हें इसका आंसर चाहिए तो वो जो ग्रे कलर की साइड में जो ग्रीन उसके घास हैं उस लिम्पोपो रिवर के पास जाओ शी सेड यू विल फाइंड योर आंसर देयर और तुम्हें वहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा कि क्रोकोडाइल डिनर में आज क्या खाएगा ठीक है तो कोलो, कोलो बर्ड ने उसको क्या एडवाइस दी कि गो टू द ग्रे ग्रीन लिम्पोपो रिवर ग्रे ग्रीन ग्रीसी ग्रीसी मतलब जो थोड़ी फिसलनी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि जो नदी होती है नदी के साइड में थोड़ी फिसलन होती है और ग्रीनरी ग्री रहती है तो उसने यही बोला कि ग्रे मींस वाटर का कलर बता रही है कि जहाँ ग्रे कलर है ग्रीन है ग्रीसी लिम्पोपो रिवर है तुम वहाँ जाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर यू विल फाइंड योर आंसर दियर तो तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ मिल जाएगा सो ऑफ ही वेंट आफ्टर अ वीक ऑफ ट्रजिंग एंड बजिंग ही रीस्ट और उसके बाद जैसे ही उसने सोचा कि मुझे आंसर यहाँ मिलेगा लिम्पोपो रिवर में तो वो वहाँ से चले गया और कहाँ जाने लगा उस रिवर की तरफ जाने लगा आफ्टर अ वीक ऑफ ट्रजिंग एंड बजिंग ही रीस्ट मतलब एक हफ्ते के बाद जब बहुत दू, दे मतलब बहुत दूर से वो चलते हुए थकते हुए आया ट्रजिंग का मतलब होता है लॉन्ग एंड टायरिंग वॉक मतलब बहुत लंबी लॉन्ग वॉक करते हुए वो कहाँ पर पहुँचा उस रिवर के पास पहुँचा एंड बजिंग बजिंग मीन्स continuously मूव करना continuously चलते जाना तो ये जो बेबी एलिफेंट था इसको अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए था इसने उस इसलिए उसने कोलो कोलो बर्ड की एडवाइस मानी और वो वहाँ से तुरंत चले गया और बहुत लंबी यात्रा करने के बाद बहुत लंबी वॉक करने के बाद और कंटीन्यूसली मूव करने के बाद कंटीन्यूसली चलता रहा और वो वहाँ पर पहुँच गया कहाँ पहुँचा लिम्पोपो रिवर पर thought द एज ऑफ द रिवर ही स्टैप्ड ऑन वॉट ही one लॉग ऑफ जब ही नदी के किनारे पहुंचा, at द एज ऑफ द river, एज का मतलब होता है किनारा तो जब वो रिवर के किनारे पहुंचा रिवर, रिवर के एज पे पहुंचा तो ही स्टैप्ड ऑन वॉट ही थाट वॉज अ लॉग ऑफ wood. तो उसको अचानक जब वो आगे पहुंचा, तो उसने क्या देखा जैसी उसके उसको लगा कि वो वहाँ पर किसी लॉक ऑफ फूड मतलब लकड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है ठीक है पर एक्चुअल में क्या था वो क्रोकोडाइल था इट विंग्ड वन आई इट विंग्ड वन आई मतलब विंग्ड का मतलब वो जो क्रोकोडाइल था वो अपनी आँख झपल जप, झपका आ रहा था पलके झपकना होता है ना पलके खुलती हैं बंद होती हैं उसी तरीके से वो अपनी वन आई मतलब एक आई को एक आँख को विंक कर रहा था बार-बार उसकी पलके झपक रही थी अब वापस से समझो एट द एज ऑफ द रिवर रिवर के किनारे जब वो पहुंचा तो उसे लगा वहां पर एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का टुकड़ा है और उसके बाद उसने क्या देखा इट विंग्ड वन आई और उस लॉक लॉग ऑफ वुड जैसा जो दिख रहा था वो अपनी जो आइज थी वो बार बार विंग कर रहा था झपका रहा था ठीक है एक्सक्यूज मी अ क्रोकोडाइल इन दिस पार्ट्स आज द एलीफेंट्स चाइल्ड पोलाइटली और फिर उसने उस आ, से पूछा जो जहाँ पर आग बार बार खुल रही बंद हो रही थी उससे पूछा कि एक्सक्यूज़ मी उस बेबी एलिफेंट ने बहुत ही पोलाइटली बहुत ही अच्छे से बहुत ही सरल स्वभाव में पूछा एक्सक्यूज मी हैव यू सीन अ क्रोकोडाइल इन दिस पार्ट्स क्या आपने कहीं पर यहाँ पर क्रोकोडाइल को देखा है द क्रीचर विंग द अदर आई एंड हाफ लिफ्टेड टेल आउट ऑफ द मड और वो जो क्रीचर था क्रिएचर का मतलब होता है जीव को बोला जाता है ठीक है स्मॉल एनिमल्स को बोला जाता है वो जो क्रिएचर था विंग ट द अदर आई तो उसने अपनी दूसरी आंख भी खोली और उसकी भी पलके के झपकाई एंड हाफ लिफ्टेड हिस्टेल आउट ऑफ द मर्ड और अपनी जो पूछ थी वो मिट्टी में से बाहर निकाली आधी पूछ जो उसकी दबी हुई थी मिट्टी में वहाँ से बाहर निकाली और बोला ही सेड आई एम द क्रोकोडाइल और फिर उसने उस बेबी एलिफेंट को बोला आई एम द क्रोकोडाइल मैं क्रोकोडाइल हूँ द एलिफेंट स्टाइल ग्रू एक्साइटेड एंड नील डाउन अब बेबी एलिफेंट तो बहुत एक्साइटेड हो गया था क्रोकोडाइल को देख के तो बेबी एलिफेंट जो था या एलिफेंट का जो बेबी था या चाइल्ड था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया एंड नील डाउन नील डाउन मतलब घुटने मोड़ कर बैठ गया ठीक है आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल दिस डेज ही सेट अब उस बेबी एलिफेंट ने बोला कि मैं बहुत दिन से आप ढूंढ रहा हूँ इन बहुत कई दिनों से मैं आपको ही ढूंढ रहा हूँ विल यू प्लीज टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर और फिर उस बेबी एलिफेंट ने उस क्रोकोडाइल से ही क्वेश्चन पूछा कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आप आज रात को डिनर में क्या खाएंगे तो कम नियरर लिटिल वन कम नियरर एंड आई विल विस्पर सेट द क्रोकोडाइल अब जो क्रोकोडाइल था क्रोकोडाइल क्या होते हैं क्रोकोडाइल एनिमल्स को खाते हैं ठीक है तो वो जो क्रोकोडाइल था वो बड़ा था और उसने उस बेबी एलिफेंट को बोला कम नियरर कम नियर मतलब मेरे पास आओ लिटिल वन मेरे पास आओ एंड आई विल विस्पर विस्पर का मतलब होता है कान में धीरे से कुछ बोलना ठीक है और फिर उसने क्रोकोडाइल ने बोला कम नियरर लिटिल वन कम नियरर मेरे पास आओ मैं तुम्हें कान में बताऊंगा मैं तुम्हें धीरे से बताऊंगा सेट द क्रोकोडाइल और फिर उसने क्रोकोडाइल ने ऐसा उस बेबी एलिफेंट को बोला द एलिफेंट चाइल्ड पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स मस्की टस्की माउथ अब जो एलिफेंट का जो चाइल्ड था जो बेबी एलिफेंट था उसको बहुत अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करना था मतलब उसको जानना था कि आखिर ये डिनर में क्या खाने वाला है तो उसने क्या किया उसको लगा अब क्रोकोडाइल मुझे आंसर करेगा तो उसने अपना सिर नीचे झुका के क्रोकोडाइल के पास लेके आया जैसे हम कानों में बात करते हैं तो एक दूसरे के पास सर लेके आते हैं ना तो उसी तरीके से उसने अपने हेड को डाउन करके क्रोकोडाइल के पास लेके आया ठीक है क्रोकोडाइल्स मस्की टस्की माउथ मस्की का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग स्मेल आना किसी चीज़ की गंद आनी या स्ट्रोंग स्मेल आना तो जो क्रोकोडाइल था उसका जो माउथ था वो मस्की था उसमें से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी और टस्की माउथ टस्की का मतलब होता है जिसमें लॉन्ग पॉइंटेड टूथ होते हैं मतलब जिसमें ऐसे एनिमल्स जिनमें बड़े बड़े दांत होते हैं उन्हें टस्की बोला जाता है तो क्रोकोडाइल ने उस जैसे ही बोला कि कम नियर अर लिटिल वन कम नियर अर आई विल विस्पर मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं आज डिनर में क्या खाने वाला हूँ तो जो बेबी एलिफेंट था तुरंत उसने अपना सिर झुका के क्रोकोडाइल के पास लेके आया और जो क्रोकोडाइल था उसका मस्की टस्की जो माउथ था मतलब उसके माउथ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी और उसके बहुत ज़्यादा पॉइंटेड टीथ थे बहुत ज़्यादा नुकीले दाँत थे एंड द क्रोको एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय हिज लिटल नोस जैसे ही बेबी एलिफेंट ने अपना सिर क्रोकोडाइल के पास लाया ये जानने के लिए कि वो डिनर में क्या खाने वाला है क्रोकोडाइल जैसे ही एलिफेंट ने अपना सिर क्रोकोडाइल के पास लेके आया क्रोकोडाइल ने तुरंत उसकी छोटी जो लिटिल नोस थी उसको पकड़ ली मैंने आपको बताया था कि पहले जो एलिफेंट्स होते हैं उनकी जो नोज़ होती है वो बिल्कुल बूट के आकार की होती है बूट के आकार मतलब जितना वो बड़े बूट होते हैं ना जो हम शू पहनते बड़े वाले रबर बूट उस शेप के उस उस साइज़ के होते थे पहले इनकी नोज़ पहले इतनी लंबी नोज नहीं होती थी तो क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा क्या था बहुत ज़्यादा बदमाश था तो उसने क्या किया जैसे ही कि देखा कि बेबी एलिफेंट मेरे पास अपना सिर लेके आ रहा है उसने तुरंत उसकी नोज को पकड़ लिया ठीक है चलिए अब नेक्स्ट पेज आई थिंक सेट द क्रोकोडाइल एंड ही सेट इट बिटवीन हिस्टेट लाइक दिस आई थिंक टुडे आई विल बिगिन विद यू एलिफेंट स्टाइल और तुरंत क्रोकोडाइल ने क्या बोला आई थिंक सेट द क्रोकोडाइल मैं सोचता हूँ वो बोलने लगा एंड ही सेट इट बिटवीन हिस्टीट और उसके दांतों के बीच में उसकी जो लिटिल नोस दबी हुई थी उसको आ, उसको लेते हुए उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है आई थिंक टूडे आई विल बिगिन विद यू एलिफेंट स्टाइल मतलब उसने ये बोला क्रोकोडाइल ने कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं अपना डिनर तुम्हारे से शुरू करूँगा मतलब मैं तुम्हें आज डिनर में खाऊँगा ठीक है किस को खाएगा बेबी एलिफेंट को द एलीफेंट स्टाइल्ड न्यू ही वॉज इन बिग ट्रबल अब जो बेबी एलिफेंट था या एलिफेंट स्टाइल था उसको समझ में आ गया था कि वह बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस गया ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है ही सेट बैक ऑन हिज हॉन्च एंड ही पुल्ड एंड पुल्ड और वो क्या किया जो बेबी एलिफेंट था हॉन्चेज का मतलब होता है बैक पार्ट ऑफ द बॉडी कमर का जो हिस्सा होता है ना उसको बोला जाता है तो ही बैक और वो तुरंत नीचे बैठ गया अपने हॉन्चेस पे पूरी तरीके से बैठ गया एंड ही पुल्ड एंड पुल्ड और वो अपनी नोज़ को उसके टीथ उसके माउथ में से खींचने की कोशिश करने लगा और बार बार खींच रहा था द क्रोकोडाइल स्प्लैश इन द वॉटर एंड पुल्ड एंड पुल्ड और क्रोकोडाइल पानी में अंदर की तरफ था तो पानी में जैसे ही जा रहा था और वो स्प्लैश करते हुए मतलब छप छप करते हुए उसकी जो नोज़ है उसको खींचते हुए जा रहा था क्यों क्योंकि क्यों, क्रोकोडाइल कहाँ रहता है वाटर में रहता है और वो क्या कर रहा था उसकी नोज़ उसके माउथ में दबी हुई थी उसके दांतों के बीच में उसने बेबी एलिफेंट की नोज़ को दबा रखा था तो वो क्या कर रहा था उसकी नोज़ को अंदर पानी की तरफ खींच रहा था पुल्ड एंड पुल्ड बोथ ऑफ देम पुल्ड एंड पुल्ड दोनों इधर से क्रोकोडाइल खींच रहा था एलिफेंट को और बेबी एलिफेंट उधर से अपनी नोज को खींच रहा था बचाने के लिए ठीक है दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे एंड द एलीफेंट्स नोज कैप्ट स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रैचिंग और जो एलिफेंट की जो नोज थी वो स्ट्रेच होती जा रही थी फैलती जा रही थी ठीक है एंड द एलिफेंट्स नोस कैप स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रैचिंग और जो एलिफेंट की नोस थी वो खींचती चली जा रही थी बड़ी होती चली जा रही थी एट लास्ट द क्रोकोडाइल लेडको और लास्ट में क्या हुआ जब क्रोकोडाइल ने देखा कि वो जीत नहीं पाएगा तो क्रोकोडाइल वहाँ से चले गया बट फेल द एलीफेंट राइट ऑन हज बिग ब्रॉड बैक और जो एलिफेंट था वो अपने बिग ब्रॉड मतलब अपने कमर के बल गिर गया ठीक है ही लुक डैट हिज नोज अब उसने अपनी नोज की तरफ देखा ही कुड नॉट सी देयर इट वेयर इट एंडेड और जब उसने अपनी नोज की तरफ देखा तो उसकी नोज़ कहीं पर भी उसको ख़त्म होती नहीं दिखाई दे रही थी मतलब उसकी नोज बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी इट वॉज सो लॉन्ग ही कुड स्विश इट अराउंड और वो जो nose थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी और वो ही कुड स्विश इट अराउंड मतलब वो उसको इधर से उधर हिला रहा था अपनी नोज़ को हिला सकता था चारों तरफ घुमा सकता था टर्न कर सकता था बट इट हर्ट इन ओफुली पर जब क्रोकोडाइल ने उसकी नोज को अपने दांतों में दबा के खींचा तो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ दुखा सो ही रैप द नोज इन कूल बनाना लीव्स एंड वेटेड फॉर इट टू श्रिंक और अब उसने क्या किया उसको लगा कि उसकी जो नोज है क्रोकोडाइल ने बहुत अपने दांत अपने दांतों में दबाकर बहुत ज़्यादा खींची थी जिसके कारण उसको दुख रहा है तो उसने अपनी नोज़ को जो बनाना होता है वो कूल होता है मतलब ठंडे जो बनाना की पत्तियाँ होती हैं उनको अपनी नोज़ के चारों तरफ लपेट लिया जैसे हम जब हमारे कट जाता है तो हम पट्टी बांधते हैं ना अपनी उंगली में या जहाँ भी कटता है उसी तरीके से जो एलिफेंट बेबी एलिफेंट था उसने अपनी नोज़ के चारों तरफ कूल बनाना लीव्स को रैप कर लिया था बांध लिया था ठीक है एंड वेटेड फॉर इट टू श्रिंक और वो उसे ये लग रहा था कि जब ये ठीक हो जाएगा तो मेरी जो नोज है वापस से छोटी हो जाएगी श्रिंक हो जाएगी सिकुड़ जाएगी ही वेटेड एंड वेटेड और उसने कई दिन तक वेट किया बट नथिंग हैपन पर कुछ भी नहीं हुआ उसकी नोज जो खिंच के लंबी हो गई थी वैसी ही रही वो श्रिंक नहीं हुई श्रिंक मतलब सिकुड़ना ठीक है ही वुड ही कुड स्टिल स्विश इट ऑल अराउंड और अभी भी वो अपनी नोज इधर से उधर स्विश कर सकता था स्विश मतलब टर्न कर सकता था घुमा सकता था एट द एंड ऑफ द थर्ड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग हिम ऑन द शोल्डर थर्ड डे जब तीसरा दिन हुआ ये सारा इंसिडेंट होने के बाद जब तीसरे दिन वो बैठा हुआ था तो अचानक क्या हुआ एक फ्लाई आई एक मक्खी आई ठीक है मक्खी फ्लाई मीन्स यहाँ पर जो काटने वाली मक्खी होती है उसके बारे में बोला जा रहा है अ फ्लाई केम एंड स्टांग हेम ऑन द शोल्डर स्टंग मतलब डंक मार के एक मक्खी एक फ्लाई uh, आई और उसके शोल्डर पर डंक मार गई उसको काट लिया एंड बिफोर ही न्यू वॉट ही वॉज डूइंग और uh, मतलब फ्लाई को पता भी नहीं चला उस बेबी एलिफेंट ने क्या किया ही लिफ्टेड अप अप्रंक ट्रंक मीन्स उसकी अपनी नोज उठाई और उस एंड हिट दैट फ्लाई डेड विद द एंड ऑफ इट और उस ट्रांग से उस मक्खी को उस फ्लाई को उसने मार दिया जिससे वो वहीं मर गई ठीक है ही सेट टू हिमसेल्फ दिस सीम्स टू बी अ यूजफुल थिंग फिर उसको लगा कि ये जो मेरी इतनी लंबी नोज़ हो गई है इतनी लंबी ट्रंक हो गई है ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ही वेंट बैक टू हिज फैमिली एंड हैड अ जॉली टाइम स्पैंकिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर विद हिज न्यू ट्रंक और वो अपनी फैमिली के पास वापस गया और अपने जो भाई बहन हैं ब्रदर सिस्टर उनके साथ बहुत अच्छा समय उसने बिताया अपने नए न्यू ट्रंक के साथ मतलब उन्होंने खूब इंजॉय किया उस न्यू ट्रंक के साथ बहुत सारा खेला When द अदर एलिफेंट्स कुड बियर इट नो लॉन्गर they ऑल वेंट टू द क्रोकोडाइल टू गेट न्यू noses, जस्ट लाइक दिस वेन द अदर एलिफेंट्स कुड बियर इट नो लॉन्गर पर जो और एलिफेंट्स थे उनकी जो नोज थी वो छोटी थी पर उनको क्या उनको भी ऐसा लग रहा था कि बेबी एलिफेंट की तरह हमारी भी नोज लंबी हो तो वो क्या करते थे अपनी न्यू नोज़ के लिए जैसे बेबी एलिफेंट की न्यू नोज़ थी उसके लिए वो क्रोकोडाइल के पास जाते थे सो थैंक्स टू द वेरी क्यूरियस एलिफेंट स्टाइल ऑल द एलिफेंट्स टूडे हैव लॉन्ग ट्रंक्स अब ये जो राइटर हैं वो ये बोल रहे हैं तो हमें अब जितने ये एलिफेंट्स हैं उन सब उस उन सबको क्यूरियस जो बेबी एलिफेंट था उसका क्या करना चाहिए Thanks करना चाहिए thank you कहना चाहिए कहना क्योंकि उसकी वजह से ही सभी एलिफेंट्स की इतनी लंबी हुई ये okay? so, ये जो स्टोरी है खत्म हो गई और अब हम करेंगे इसके वर्ड्स टू नो नाउ वर्ड्स टू नो फर्स्ट वर्ड इज क्यूरियस क्यूरियस मीन ईगर टू नो समथिंग कुछ जानने के लिए इच्छुक होना ठीक है जिज्ञासा होना सेकेंड इज स्पैंक स्पैंक मीन्स टू स्लैप थप्पड़ मारना ट्रजिंग थर्ड इज ट्रजिंग ट्रजिंग मीन्स अ लॉन्ग एंड टायरिंग वॉक मतलब बहुत लंबी और थकाने वाली वॉक ठीक है बजिंग बजिंग मीन्स मूविंग कंटिन्यूसली चलना नेक्स्ट इज मस्की मस्की मीन्स स्ट्रोंग स्मेलिंग नेक्स्ट टस्की टस्की मीन्स लॉन्ग पॉइंटेड टू जिनके दांत बहुत लंबे और पॉइंटेड होते हैं उनको टस्की कहा जाता है हॉन्चस हॉन्चियस मीन्स द बैक पार्ट ऑफ द बॉडी बॉडी का बैक पार्ट ठीक है कमर वाला हिस्सा हॉन्चियस कहलाता है नाउ अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, ए टेक द करेक्ट आंसर्स फर्स्ट द क्रोकोडाइल डैश ए वॉन्टेड टू प्ले विद द बेबी एलिफेंट बी वॉन्टेड टू ईट द बेबी एलिफेंट

Now, third is the crocodile caught the baby elephant A by his tail, B by his nose, C by his leg. The right answer is B by his nose. Okay. Now, fourth is the baby elephant wrapped his nose in cool banana leaves because A he was embarrassed as it had become long, B it was soothing and he was hoping it would shrink. And C is he liked the smell of banana leaves. The right answer is B. It was soothing and he was hoping it would shrink. Okay. B is fill in the blanks. Fill in the blanks with words from the text. First is the baby elephant dash on his back. The answer I fell. The baby elephant fell on his back. Second is his nose dash him awfully. तो आंसर आएगा हिज नोस हर्ट हिम ऑफुली नाउ थर्ड इज ही हैड अ जॉली टाइम डैश हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो यहाँ आ जाएगा ही हैड अ जॉली टाइम स्पैंकिंग एस पी ए एन के आई एन जी स्पैंकिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ओके क्वेश्चन आंसर्स और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मैं आपको अभी पीडीएफ डी भी सेंड कर दूंगी इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन नंबर थ्री का ए नहीं किया है ठीक है ओमिट किया चलिए सो दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड